press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू कासमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे मेरे पर्सनल फेवरेट भारत के पूर्व राजदूत दीपक वोरा साहब। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें ये दोनों बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे। इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। शब्द जिहाद आप भारत में नहीं सुनेंगे, हम आपकी तरफ से सुनते हैं। जिहाद करो, जिहाद करो, जिहाद। यू नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग टुडे विद इजराइल। वो आइडियोलॉजिकल बन, वो रिलीजियस डिस्प्यूट बन चुका है, जो आइडियोलॉजिकल टेरिटोरी होता। तो मेरा ये मानना है कि long as this attitude does not change, हमारी एक वहां पे कोई आपका बैठा हुआ है, हमारा एक आतंकी है, whom we want, बड़ा मोटा सा है, उसका नाम है सलाहुद्दीन या ऐसा ही कुछ उसका नाम है, बेवकूफ सा है। तो वो कहता है जी बस कश्मीर लेना है तो जिहाद करो। अब कोई जिहाद करने को जाता नहीं है वहां, जो जाता है उसको सीधा ऊपर भेज देते हैं। तो यू नो इट्स अल्टीमेटली रियलिटी। कितने साल हो गए इंडिपेंडेंस आपके और हमारे? 77, बिल्कुल। You were created in 47, we became independent in 40. अभी तक वहीं फंसे हुए। Move ahead. मैं सूडान में था, मैंने कई देशों में रहा हूं जो divided रहे हैं, सूडान, साउथ सूडान। लेकिन फिर जब बंटवारा हो गया, उन्होंने कहा यार चलो अब खत्म हो गया, अब आगे की बात सोचो। हमारी आंखें आगे है ना, पीछे नहीं है। We can't be looking constantly at the back. We have to look ahead. इथियोपिया एरिट्री का भी यही है। कितने साल वो लड़े, 1993 में एरिट्रिया अलग हो गया था रेफरेंडम के ऊपर, 20 साल लड़े। फिर एक दिन वो प्राइम मिनिस्टर आए इथियोपिया के, अबी अहमद, मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, थोड़ा सा उनका भेजा फ्राई हो गया। तो वो बॉर्डर के पार गए और बोले वहां इरिट्रिया के प्राइम मिनिस्टर को, यार टाइगर तू तो मेरी कम्युनिटी का है, हम दोनों तो फर्स्ट कजन है, क्यों लड़ रहे हैं? तो दूसरा कहता है तू लड़ रहा है। उसने कहा अच्छा नहीं लड़ूंगा, चलो गले मिलो, गले मिली, चाय पी, बॉर्डर का डिस्प्यूट सॉल्व हो गया। अब अगली अलग बात है कि फिर से शुरू हो गया। आई हैव सीन दिस इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मैंने ये कैमरून में देखा है जहां पे ये झगड़ा चल, अल्टीमेटली इट्स टेरिटरी, अल्टीमेटली। नहीं तो जंग क्यों करते हैं आप? दो देश आपस में जंग करते हैं, मेन टेरिटरी चाहिए, आपके नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए या फिर मेरे को इन्फ्लुएंस चाहिए। अगर ये माइंडसेट बदल जाए, और भारत इज, यू नो, लेट मी गिव यू अ फ्यू फिगर्स बेटा। फर्स्ट आई विल रेकमेंड टू यू, ये आपके लोग भी मैंने सुना कहते रहते हैं, और अभी हाल ही में मेरा ख्याल ब्रिटेन के भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर थे वो, क्या नाम था उसका, टोनी शोनी कुछ ऐसा ही नाम है उसका, उन्होंने कहा जी भारत तो सुपर पावर बन गया। अब मैं ये सुन रहा हूँ कि टाइगर ये कब से हो गया, तेरे दिमाग में ये अकल कब से आई? 1944 में ये शब्द सुपर पावर, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके साथ बांटना चाहता हूं। 1944 में पहली बार ये टर्म सुपर पावर यूज किया गया। तो जब मैं यूनाइटेड स्टेट्स में था तो कुछ लेक्चर्स में अटेंड करता था कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, तो जिस व्यक्ति ने ये टर्म इन्वेंट किया था और एक किताब भी लिखी थी सुपर पावर, मेरे पास एक कॉपी होती थी, पता नहीं कौन से देश का राष्ट्रपति ले गया, मुझे वापस भी नहीं किया, आजकल आउट ऑफ प्रिंट है वो। तो उसने एक किताब लिखी थी सुपर पावर, और इसको हम कहते थे ये इस व्यक्ति को कि इसका नाम हमने रखा था, मुझे याद है, वाइली फॉक्स, वाइली लोमड़ी, और इसका एक्चुअल नाम था विलियम फॉक्स। इसने कहा कि सुपर पावर होने के लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, और फिर उसने कहा कि तीन सुपर पावर है, एक यूनाइटेड स्टेट्स, एक सोवियत संघ और एक ब्रिटेन। अब यूनाइटेड स्टेट्स बरकरार है, सोवियत संघ तो चला गया, वो यमराज की ट्रेन आई उसमें बैठ के रवाना हो गया, ब्रिटेन के हाथ में बोर्डिंग पास है, वो भी बैठ के जाने वाला है वहां पर। अब बचता है यूनाइटेड स्टेट्स। अब बाकी जो उसने कंडीशंस दी थी कि अगर ये 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 आपके पास है, पॉपुलेशन है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, मिलिट्री स्ट्रेंथ है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास साइज है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूर अ सुपर पावर ऑन ऑल दीज टर्म्स। आई एम नॉट सेइंग दिस कि मैं भारतीय हूँ, आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन, यूर अ प्राउड पाकिस्तानी, आई एम सेइंग दिस, जितने पैरामीटर्स देखो वी आर राइट अप देयर, सिर्फ पर कैपिटा, क्योंकि हम लोग तो बच्चे पैदा करने में बड़े तेज है ना। जैसे मजाक में कई बार मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ, देखो तुम कहते हो इंडिया इज नॉट अ प्रोडक्टिव सोसाइटी, वी आर अ रिप्रोडक्टिव सोसाइटी, मजाक करते हैं हम आपस में, नो वी नॉट से दिस अबाउट दिस। वो चीज छोड़ दीजिएगा पर कैपिटा, विच इज अबाउट $3,000, ऑन ऑल अदर पैरामीटर्स वी क्वालिफाई। तो ये चीज अगर स्वीकार कर ले कि भाई हम बने थे बहुत साल तक, हम
भारत से आगे थे पर कैपिटल में इसमें उसमें, अब हम पीछे रह गए हैं। इंट्रोस्पेक्शन, क्यों ये गलती क्यों हुई? अगर ये हो जाए ना मैम, तो फिर हमें ये जो मीटिंग्स हैं हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, जयशंकर जा रहा है, ये आ रहा है या वो आ रहा है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सर, इस तरह की मीटिंग्स में हमें कुछ ना कुछ तो मिलता होगा अपने ख्याल से। ठीक है, हम इंडिया पाकिस्तान डिस्कशन नहीं होगी वहां पे, लेकिन फिर भी और भी कंट्रीज के लोग आ रहे हैं, तो आपके ख्याल से इस किस्म की जो मीटिंग्स होती है एससीओ टाइप की, उससे मिलता क्या है वर्ल्ड को? कुछ नहीं, जीरो। सिर्फ हम लोग जो सारी इश्यूज हैं जो सारे देशों को कंसर्न करती हैं, ड्रग को हो गया, मेडिसिन का हो गया, क्लाइमेट चेंज का हो गया, फ्री एंड ओपन सी, वो चीजें हम डिस्कस करें, उसमें फायदा होता है। कम्युनिकेशन इशू होगा, मैंने सारे पढ़े हैं पुराने इनके, अगले साल का जो होगा वही चीजें दोहराएंगे, उसके बाद वही चीजें बताएंगे। सो ये भी एक चीज होती है मैम, एक फिलोसफी ये होती है कि डूइंग नथिंग इज ऑल्सो अ फिलोसफी। आपस में मिलकर बातचीत खत्म हो गया, चाय पी, और आप लोग पता नहीं आजकल कुछ और देते हैं कि नहीं, तो चाय पी के सब लोग समोसे खा के, आप लोग बड़े अच्छे बनाते होंगे, समोसे खा के वो वापस आ जाएंगे और क्या होगा वहां पर। बेसिक इश्यूज जो है, जो आतंक की है और क्लाइमेट चेंज की है, अब हम बोलेंगे आतंक को बंद करो और कोई दूसरा देश खड़ा होकर बोलेगा आप आतंकी हो, मैं नहीं हूं। अब यू नो इट गोज ऑन। हम लोग बायलैटरली कभी, we will not make a bilateral attack, लेकिन सारी दुनिया समझ जाती है। तो जो महामारी फैली थी जिसको आप लोग कोविड कहते हैं, अब हम बोलेंगे दोबारा नहीं होना चाहिए, तो वो बोलेगा मैंने थोड़ा शुरू किया था। सो ऑल दीज थिंग्स गो ऑन लाइक दिस एंड अल्टीमेटली द रिजल्ट, अनलेस देयर इज अ मीटिंग ऑफ माइंड्स, जो मैं अभी नहीं देख रहा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। लोग बहुत से लर्नेड आर्टिकल्स लिखेंगे, मेरे अपने कॉलीग्स इन द फॉरेन सर्विस वो भी लिखेंगे कि ये हो जाएगा, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। यू नो बेटी, देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल, एक होते हैं द शुडिस, वी शुड डू दिस, वी शुड डू दिस, वी शुड डू दैट, फिर मेरी तरह होते हैं द डनिस, वी हैव डन इट, वी हैव डन इट, वी हैव डन इट, हमें और कुछ लेने की जरूरत है। अब मिसाल के तौर पे आई जस्ट टेल यू टुडे, मेरा 6'2" का कद है, आज मैं 6'8" का हूं। क्यों? कल अनाउंस किया हमारे रिजर्व बैंक ने, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बेटा हैव क्रॉस $700 बिलियन, 3 times the size of your economy, $700 बिलियन पहली बार। और 1991 में जब मैं ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी था टू टेक्नोलॉजी एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, 1 billion से कम रह गए थे और हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। 1991, you know about it। तो 35 साल के बाद फ्रॉम 1 to 700, आई फील वेरी प्राउड। और ये किसी एक व्यक्ति ने, एक प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया है, ये लोगों ने किया है, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने किया है, जो स्टार्टअप्स आप देख रहे हैं। अब आजकल बहुत सोशल मीडिया पे बातचीत हो रही है कि ये भारत अब लॉन्च करने वाला है अपना Agni 6, जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर की होगी, इसको मार देगा। अब चलिए दिल को, एज आई कीप सेइंग, आप बात करते रहिए, क्या फर्क पड़ता है। तो मैं तो बैठ के मुझे मजा आता। अच्छा, एक और चीज अभी, टेल मी इफ इट्स ट्रू, ये जो क्रिकेट खिलाड़ी थे जो आप कुछ देर के लिए आपके प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की पोजीशन के लिए अप्लाई किया था, ये मैंने पढ़ा था, पता नहीं सही है कि नहीं, पानी खाने बहुत हंसी आती है। और दूसरा, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर को बोला कि मेरी पार्टी को आप एड्रेस करिए, ये सही है क्या सर? उनकी पार्टी के कुछ लोगों ने ऐसा कहा है, बिल्कुल कहा, मजा आ रहा है, बड़ी अच्छी बात है। तो यानी अब हम इन्वॉल्व हो रहे हैं आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, चलिए ये भी देख लेते हैं क्या होने वाला है। लेकिन सर एक चीज जरूर है, आपकी बात से मुझे लगा कि अगर डायरेक्शन सही हो, जैसे आपने कहा कि एक टाइम पे 1991 में गोल्ड रखना पड़ा था, लेकिन उसके बाद जो है इकोनॉमी पे काम किया गया, तो सर अगर डायरेक्शन सही हो तो अपनी चीजें हैं या जो चीज है उसको अचीव किया जा सकता है। तो अगर पाकिस्तान भी अपनी डायरेक्शन सही कर ले तो आपके ख्याल से इस क्राइसिस से निकल सकता है? इससे बेहतर और कौन बता सकता है जो आपने अभी कहा। इट जस्ट हैज टू बी द माइंडसेट एंड द डायरेक्शन। मैं रामायण की अक्सर जो मिसाल देता हूँ, पहले भी आपके साथ बातचीत हुई है, बहुत से लोगों से बात हुई, मैं जामवन की वो देता हूँ, उनकी मिसाल देता हूँ कि रामायण की बेसिक स्टोरी यही है कि एक बदमाश राजा ने एक दूसरे राजकुमार की पत्नी को चुरा लिया था, फिर उसने अपने स्पाई मास्टर को भेजा पता कर वो कहाँ पे है, बताया छोटे से आइलैंड पे है। अब वो जो स्पाई मास्टर था कहता मैं खुद देख के आऊंगा, क्योंकि मैं आप लोगों पे भले ही आप मेरे सोर्सेज हैं, आई वांट टू सी इट। तो उन्होंने बड़े आवाजार होके रामेश्वरम साउथ इंडिया में बैठे हुए थे, फिर वो भालू जामवन ने उनसे कहा कि अपनी ताकत आप याद करो,
अपना जनून याद करो, अपनी इंटेलेक्चुअल फिजिकल ताकत, आपके गुरुओं ने जो आपको सिखाया वो याद करो, वो याद करके एक छलांग लगा के 100 कोस 300 किलोमीटर दूर पहुंच जाता है। और दूसरी चीज मैम, जो लोग अक्सर भूल जाते, चलो पहुंच गया, सीक्रेट मैसेज दे दिया, सीता माँ उसको मिल जाती है, उसके बाद कहता है कि मुझे नहीं लगता कि जो बदमाश राजा है ये वापस करेगा इस राजकुमारी को, इस क्वीन को, तो अब मुझे पता करना है अगर जंग होगा तो इनकी कमजोरी क्या है। वो पूरा फिर जाके उनकी नगरी में ढूंढता है कहाँ कहाँ वीक पॉइंट्स है, और फिर क्या करता है, उस नगरी को आग लगा देता। तो मेरा कहने का मतलब है कि 15,000 साल पहले घर में घुस के मारा था, लेकिन जामवन ने जो कहा भगवान श्री हनुमान को, जो स्पाई मास्टर थे, कि अपना अपनी जो ताकत याद कर, उससे क्या आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिलायंस, ये चीज है, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता। अगर ये आ जाए तो फिर एक देश का कलेक्टिव जो प्राइड है, ये नहीं, ये अकबादी जी हम ये बना देंगे, हम आधे किलो का न्यूक्लियर बॉम्ब बना देंगे, हम 1.5 किलो का बना देंगे, दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस हैज टू स्टॉप। बट अगर ये कॉन्फिडेंस आ जाए, हाँ मैं कर सकता हूँ। यू नो आई वाज आल्सो लुकिंग एट द फिगर्स की बहुत कम अब इलीगल इमिग्रेंट्स भारत से जा रहे हैं, पहले होता था फर्जी पासपोर्ट पर चले गए, इधर भाग गए उधर, नहीं जा रहे, बट द अपॉर्चुनिटीज आई है। वो ठीक है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में लोग गाली देंगे जी ये नहीं कर रही ये सरकार, वो नहीं कर रही वो नहीं, वो अगेन within the internal situation chalta rahega, but by and large we find a lot of respect, aur ye maine khud experiences ko kiya hai ki bhai now you have emerged, now you are not in the business of sending your chaps over the, iske bawajood ki 144 crore ki abadi hai, but the people have look at us with respect, aur aapke paas bhi aa sakta hai, only thing is that you have to have that self confidence, self esteem and self reliance। बिल्कुल सर, ऐसा ही होना चाहिए, आपको लोग सुनते हैं और हम बार बार आपको इसीलिए रिक्वेस्ट करते हैं आने की कि लोग आपको सुने, और यहाँ पर भी हम कुछ चीजों को जो है वो करेक्ट कर सकें या बेहतर बना सकें। आप तो लग रही है उसके लिए अपना ध्यान रखा करें आप। आई विल डेफिनेटली सर, बहुत शुक्रिया आज आप आए, आई होप कि आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द। थैंक यू। जब आप बुलाएंगी आपके, माय प्रायोरिटी इज टू बी ऑन माय पाकिस्तानी डॉटर्स चैनल, बहुत अच्छा लगा, एंड यू आर सो पॉपुलर नॉट जस्ट इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। जो कमेंट्स आते हैं ना आपके शो के बाद, वो बड़े मजा, कुछ लोग मुझे गाली देते हैं, कुछ तारीफ करते हैं, तो क्या होता है कुछ पत्थर फेंकते हैं, कुछ फूल फेंकते हैं, दोनों को मैं समेट लेता, और जो पत्थर फेंकते हैं, सॉरी उनको बताना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में इतने पत्थर फेंके कि उनके साथ मैंने महल बना दिया। परफेक्ट। मैं भी अब यही करूंगी सर, मुझे भी पत्थर पत्थर ज्यादा आते हैं, फूल कम आते हैं, लेकिन मैं भी वही आपकी तरह उसे महल बनाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच, मे गॉड बी भगवान आपके साथ रहे। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और आरजू काजमी जी और दीपक वोरा साहब का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि दीपक वोरा साहब एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर बहुत ही जबरदस्त नॉलेज रखते हैं, और दीपक वोरा साहब ने दुनिया भर में काम किया हुआ है और भारत का नाम रोशन किया है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर दे, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।